फाइनल फैंटेसी एक ऐसा गेम जहाँ पे आप चोकोबो को लेके दौड़ेंगे जो बेसिकली एक चिकन है बड़ा साइज वाला लॉल फक। आप गाड़ी लेके धूम धूम अच्छे अच्छे सीनरी घूमेंगे जो लिटरली सही लिटरली हमारे दुनिया से तो बहुत ही अच्छा दिखता है। और आप नदियों से बहुत ही सुंदर सुंदर शहर में जाएंगे जिसको मैं बता नहीं सकता कि कितना सुंदर है। आप बस देख ही सकते हैं। ओ फक तो देखो इसको। और जिसका डिजाइनर ने जब पहली बार पार्टिकल इफेक्ट डिस्कवर किया हो तो फाइनल फैंटेसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। फाइनल फैंटेसी का ग्राफिक्स बहुत ही मस्त है, बहुत ही सही ऑन पॉइंट। आप देख सकते हैं चाहे वो कैरेक्टर्स होगा, कैरेक्टर्स की आईज हो, हेयर हो, सब कुछ बहुत ही डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे उसका कट हो, उसका आँखें हिलते हैं तो मतलब लाइक बाकी लोग रियल इंसान दिखता है। चाहे आप चल रहे हो वो भी इतना सुंदर दिखता है, चलते हुए भी इतना सुंदर दिखता है गेम। लाइक चलते हुए कौन सा गेम इतना सुंदर दिखता है। या फिर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, लाइक डिस्कशंस में बहुत वैरायटी आता है, लाइटिंग इफेक्ट्स पार्टिकल्स की वजह से बहुत मस्त लगता है ये गेम माँ कसम। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आता है, वो है लोडिंग 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 एनी टाइम कभी भी लोडिंग। फक यस यू आर नाउ अ ट्री। आप नॉक्टिस को लेके खेलते हैं। नॉक्टिस एक प्रिंस है जैसा टिपिकली होता है, जिसको शादी करना है एक औरत से जिसका नाम है मिस लुनापिया। तो ये है, लेकिन आपका विलेन जो है ये आके सबका गांड मार देता है सीधी बात, जिसकी वजह से आपके साथ ये होता है, आपका गांड पड़ता है, टट्टी हाथ में आ जाता है, हगने का मन नहीं करता है आपको। फिर आप बहुत ही एपिक बैटल्स में पार्ट लेंगे, वन ऑफ द मोस्ट एपिक बैटल्स लाइक इन एन आरपीजी गेम कैन बी लाइक। बहुत ही सही है इसका मैकेनिक। आप गेम प्ले में जब देखेंगे इसका फाइटिंग सीन, आप थोड़े बोलेंगे क्या है ये। तो आगे बढ़ते हुए स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है बीच में, That boy will never be king. तो इसके वजह से कुछ गड़बड़ी होता है। मैं बताऊंगा नहीं क्या गड़बड़ी होता है। तो वो गड़बड़ी के वजह से सब अलग हो जाता है, वो लड़का अलग हो जाता है। तो उन लोगों को कुछ चॉइसेस लेना पड़ता है, जिस चॉइसेस से वजह से को पता ही होगा वो लड़का इफेक्ट होता है ऑब्वियसली। तो वो लड़का इफेक्ट होता है, तो वो लड़का इफेक्ट होने की वजह से स्टोरी में थोड़ा सा पीस आता है, जिसकी वजह से उसको स्ट्रॉन्गर बनना पड़ता है। तो वो स्ट्रॉन्ग बनता है, इन शॉर्ट उसको एक रिंग पहनना पड़ता है, जो रिंग अभी दिखने वाला है आपको। हाँ, वो रिंग लेके सबसे आधा स्टोरी वो रिंग लेके ही है। ये बहनचोद रिंग, इसको फेंको, बाहर फेंको इसको। कुछ इमोशनल सीन्स भी है स्टोरी में जो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सही है स्टोरीज। जैसे कि ये ओमा मजा क्या कर रहा है चला गया। आगे बढ़ते हैं। गेम प्ले बहुत सही है। आप तीन दोस्तों के साथ खेलते हैं, आपको लेके चार, हर एक का खुद का ट्रेट है, खुद का कैरेक्टर है, खुद का स्पीच है, जो जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। गेम प्ले बहुत सिंपल है, एक ही बटन प्रेस करना पड़ता है अटैक करने के लिए और एक ही बटन प्रेस करना पड़ता है डिफेंस के लिए, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देख सकते हैं बहुत एपिक सीनरी बैटल होता है, मतलब लाइक मार्क कसम बहुत अच्छा लगता है। और आपको गॉड्स के पावर भी यूज़ करने को मिलते हैं। आप बेसिकली चार गॉड्स को यूज़ करते हैं, उनमें से एक ये है जो पत्थर फेंकता है, जिसका नाम टाइटन है। टाइटन पत्थर फेंकता है, यस टाइटन गॉड पत्थर फेंकता है। लिबायथन जो सी गॉड है, और ये जो आइस गॉड है, बहुत ही पावरफुल है ये लोग। इन लोगों को आप खुद के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये लोग अपने मर्जी से आता है गेम में, तो पता नहीं क्यों। आगे बढ़ते हुए हम मैकेनिक देखते हैं गेम के। गेम के मैकेनिक्स बहुत ही सही है बंदो, लाइक फक दिस मैकेनिक्स आर सो गुड। आपको स्किल पॉइंट्स मिलता है, आपको गिल्ड्स मिलते हैं, जिससे आप वेपन्स खरीद सकते हैं, वेपन्स अनलॉक कर सकते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं मैं लेवल 88 में हूँ, सो ज़्यादा ब्रेक ना करते हुए, लेकिन लाइक लेवल 88 बहुत टाइम लगता है पहुंचने में। तो हर एक का खुद का वेपन्स होता है, देख सकते हैं स्लॉट्स होता है, एक्सेसरीज है, कपड़े हैं,
सबको खुद आप दे सकते हैं, सब कुछ आप खुद असेंबल कर सकते हैं, खुद सबके लिए वेपन सिलेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो अचीवेबल है। एसेंशन पॉइंट्स जो बेसिकली स्किल पॉइंट्स है, हर एक स्किल अनलॉक कर सकते हैं आप, जैसे कि मैजिक है, फिर एल्मे गियर आता है, मुझे पता नहीं इसके एमिल गियर बोलता है या आल्मे गियर बोलता है, आई डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन, सो प्लीज सॉल्व जैसे आल्मे गियर है, मैजिक है, स्टैट्स है, टीम वर्क है, कैंपिंग है, बहुत कुछ है, आप सब कुछ अनलॉक कर सकते हैं। सब स्किल्स लाइक आपको बहुत घंटा खेलना होगा सब कुछ अनलॉक करने के, लेकिन वही फन है इस गेम का, इट्स एन आरपीजी, सो लाइक आपको बहुत घंटा खेलना होगा इसको सब कुछ पाने के लिए, लेकिन बाकी बहुत अच्छा लगता है सही में मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लाइक देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। आप हर एक खुद का अटैक्स भी है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जिसको आप लेवल अप कर सकते हैं, अटैक जितना ज़्यादा यूज़ करते हो उसके बेसिस पर। क्वेस्ट सबका खुद का स्ट्रेच है, जैसे प्रॉम्प्टो बहुत अच्छा फोटो खींचता है, इग्निस बहुत अच्छा खाना बनाता है, और ग्लैडियोलस, लेकिन आप देख सकते हैं कि बैटल्स आर वन ऑफ द बेस्ट हियर, लाइक इससे ज़्यादा अच्छा तभी होता है कि आप अगर खुद वो तलवार लेके उस आदमी को काट, मैं सही में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, वन ऑफ द मोस्ट एपिक फाइट सीन। क्वेस्ट आपको दो तरह के होते हैं, मेन और साइड। साइड आपको इन लोगों से मिलेगा, ये लोग फेंडर्स है जो साइड क्वेस्ट देते हैं, जैसे कि हंस या फिर छोटे मोटे कुछ क्वेस्ट उनके खुद होते हैं जो दे सकते हैं, और बाकी दो जो है वो एक है मेन क्वेस्ट जो आपको स्टोरी के साथ प्रोग्रेस करते हुए मिलेगा, और डंजन जिसको कंप्लीट करते हो आपका गांड फट के हाथ में आ जाता है, लाइक लिटरली। तो इन शॉर्ट फाइनल फैंटेसी इज अ वेरी गुड गेम, स्टोरी में भी मीडियोकर है, लेकिन स्टोरी उतना मैटर नहीं करता क्योंकि गेम प्ले इतना सही है। आप चाहे चल रहे हो ट्रेन पे बहुत ही सुंदर गाड़ी चल रहा है, आप चाहे दोस्तों के साथ फाइट कर रहे हो, गाड़ी में घूम रहे हो, दूर दूर जा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी करे, फाइनल फैंटेसी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गेम, द वर्ल्ड इज अ लिविंग वर्ल्ड, जहाँ पे आपको डंजन में आप रात में जाएंगे फाइट करने, सुबह कुछ और करेंगे, शाम को कुछ और करेंगे, इट्स अ लिविंग वर्ल्ड विद अ वेरी डाइवर्स कैरेक्टर्स एंड थिंग्स। तो मेरे तरफ से ये गेम गो है, प्लीज मुझे बताइए कि आप क्या इस गेम का वाकई देखना चाहेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ऑन वॉचिंग इंडियन नूब गेमिंग।